कोंडापल्ली गांव में सुभद्रा और जानकीराम नाम का एक शादीशुदा जोड़ा उनके बेटे कौशिक के साथ रहता था। कौशिक अपनी नौकरी करता था और पति पत्नी दोनों घर के पास की छोटी सी जगह पर सब्जियां उगाते थे और आसपास के गांव में वो सब्जियां बेचकर पैसा कमाते थे। एक दिन जब सुभद्रा सब्जी बेच रही थी, अचानक बेहोश हो गई। जैसे ही रावली राम की एक लड़की ने उसे देखा, वो दौड़कर उसके पास गई। फिर उसने पानी की बोतल से पानी लिया और उसके चेहरे पर छिड़का, तो सुभद्रा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रावली ने उसे आराम से फुटपाथ पर बैठने में मदद की। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि रावली काफी डरी हुई है। आंटी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप बहुत कमजोर लग रही हैं। बताइए, आप कहाँ रहती हैं? चिंता मत करो, मैं बस पड़ोस के गांव में रहती हूँ। ठीक है आंटी, ध्यान से जाइएगा। जब सुभद्रा अपने घर पहुंची, जानकी राम उसे देख उसके पास गया। क्या हुआ सुभद्रा, क्या तुम आज सब्जियां नहीं बेच पाई? इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? सुभद्रा उसे बताती है कि क्या हुआ और जानकी राम परेशान हो जाता है। ओह, तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? चलो अस्पताल चलते हैं जल्दी से। तुम घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। सुबह मैं बीपी की दवा लेना भूल गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ होगा शायद, है ना? वैसे तो अभी तुम ठीक दिखाई दे रही हो और तुम्हारा चेहरा भी, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। और सुनो, मुझे उस लड़की को अपने घर बहू बनाकर लाना है जिसने मेरी मदद की थी। तुम किस लड़की की बात कर रही हो? जब मुझे चक्कर आ गया था तो एक सुंदर लड़की ने मेरी मदद की। उसकी आंखों में कितनी चमक थी, मुझे तो वो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। अगर उस लड़की को हम अपनी बहू बना लें तो कितना अच्छा होगा। मेरी बड़ी तमन्ना है उसे अपनी बहू बनाने की। और तुम देखना कि उसकी हमारे कौशिक के साथ जोड़ी कितनी फबेगी। तो चलो कल ही चलते हैं उसके माता पिता से बात करने के लिए। ऐसा लगता है कि वो किसी अमीर परिवार से है। क्या उसके माँ बाप अपनी बेटी को एक मिडिल क्लास परिवार को देने के लिए तैयार होंगे? अरे हम भी कोई कम है क्या? एक बार बात करके तो देखते हैं, पूछने में तो कोई बुराई नहीं। तो फिर एक शुभ दिन देखकर रिश्ते की बात करने चलते हैं। अगर वो मान गए तो बहुत अच्छा होगा, अगर ना माने तो मुझे दुख तो जरूर होगा। बहुत प्यारी लड़की है, मेरे दिल में उतर गई है वो लड़की। तब तक कौशिक भी ऑफिस से आ गया। बेटा, तुम्हारी माँ ने खूबसूरत लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है। बेटा, वो इतनी खूबसूरत है कि अगर तुम उसे देखोगे तो जरूर वो तुम्हें भी पसंद आएगी। हाँ, आप मेरी पसंद नापसंद के बारे में बेहतर जानते हैं। आपने जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। सब लोग खाना खाकर उस दिन सो गए। अगले दिन सुभद्रा और उसका पति उसी गांव में फिर से सब्जियां बेचने के लिए गए। किस्मत से वो लड़की पास के कुएं से पानी लेने के लिए आई थी। उन दोनों ने उसे देखा और दोनों ने उससे कुछ देर बातें भी की। जानकी राम को भी वो लड़की बहुत पसंद आई। फिर रावली वहां से चली गई। वहां से लौटते वक्त उन्होंने रावली के बारे में उस गांव के प्रधान से पूछताछ की, तो पता चला कि वो एक बड़े परिवार से है। फिर भी वो उसके परिवार से रिश्ते की बात करने गए। रावली का परिवार भी शादी के लिए मान गया और एक दिन कौशिक और रावली की शादी हो गई। वे रावली को अपने परिवार का हिस्सा बनाकर इतने खुश हुए कि अपना सारा रुपया पैसा रावली के नाम कर दिया। और ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन जब कौशिक और जानकी राम काम के लिए घर से निकले तो उनकी पड़ोसन चित्तम्मा सुभद्रा के घर आई और सुभद्रा के बारे में रावली से झूठी मूठी गलत बातें करने लगी। उसकी बातों को सच मानकर उसे काफी गुस्सा आया। ये देखकर कि तरकीब काम कर गई है, चित्तम्मा खुशी खुशी वहां से चली गई। इसके बाद धीरे धीरे रावली का रवैया बदलने लगा। एक दिन जब शाम को कौशिक ऑफिस से लौटा, रावली मुझे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है, एक कप चाय? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ और मामूली से सिरदर्द में चाय की क्या जरूरत है? थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाएगा, समझे? तो
तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो आज? मैं भी इंसान हूँ, मैं इस तरह सारे दिन चक्कर घिन्नी की तरह नहीं लगी रह सकती। तब तक सुभद्रा और जानकीराम भी खेतों से लौट आए और हाथ मुंह धोकर बोले, खाना लगा दो रावली बेटी। आज मैंने कुछ नहीं बनाया है। आज तुम अजीब तरह से बात कर रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या बेटी तुम्हारी? बोलो तो, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती। सीधी बात कह रही हूँ, ऐसा लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। भले ही तुम हमारी बहू हो, लेकिन हमारे लिए तुम हमारी बेटी जैसी हो। कोई बात नहीं, घर का काम मैं कर लूंगी। फिर सुभद्रा घर का काम संभालती है और बाजार का काम भी। हर दिन सुभद्रा और जानकी सारा दिन काम करते और शाम को घर वापस आते। वे अपनी बहू से कोई काम करने के लिए नहीं कह रहे थे। इस सबके बीच रावली इतनी आलसी हो गई कि वो केवल बैठी रहती, खाना खाती और टीवी देखती। तभी एक दिन अचानक जानकी राम काफी बीमार हो गया और सुभद्रा उसे डॉक्टर के पास ले गई। बाद में पूरी जांच करने पर डॉक्टर ने कहा कि जानकी राम की किडनी फेल हो गई है और उसका ऑपरेशन किया जाना चाहिए। ऑपरेशन में 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कौशिक, तुम घर जाओ और जो पैसा रावली को दिया था वो ले आओ। ठीक है, मैं घर जाता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ। अब डॉक्टर को ऑपरेशन का इंतजाम करने के लिए कह दो। जब कौशिक घर पहुंचा तो देखा कि रावली टीवी देखने में खोई हुई थी। कौशिक गुस्से में आ गया और उसने जाकर टीवी बंद कर दिया। ये क्या किया, टीवी चालू करो। बाबा की तबीयत इतनी खराब होने पर तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तुम ऐसे कैसे सब भूल के टीवी में खोई हुई हो? भूलो नहीं कि ये सब तुम्हें किसने दिया है। याद है ना तुम्हें कि भूल गई? उसकी बातें सुनकर रावली शर्मिंदा होने की बजाय आग बबूला हो गई। मेरे माँ बाबा ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना, मैंने तुम्हें भी अपना माना। हमने कभी तुमसे एक भी शब्द बुरा नहीं कहा, ना ही कोई काम करवाया, लेकिन तुमसे बात करना बस समय की बर्बादी है। चलो जाओ, अलमारी में जो 5 लाख रुपए रखे हैं लेकर आओ, फौरन, जल्दी करो, उठो यहां से। कौन से 5 लाख? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। खर्च हो गए सारे घर के खर्चों में। मुझे पता है कि अच्छे से बात करो तो तुम नहीं सुनोगी। कौशिक ने उससे अलमारी की चाबियां छीन ली और अलमारी से 5 लाख रुपए ले गया और अपने पिता का ऑपरेशन करवाया। अब तुम्हें अपने पिता की देखभाल करने की जरूरत है, उन्हें किसी बात का टेंशन मत देना। वो जितना आराम से रहेंगे उतना ही ज्यादा समय तक जिएंगे। इससे कौशिक गहरी सोच में पड़ गया। मुझे अपनी पत्नी का कुछ करना होगा, अगर मैं बाबा से कहूंगा तो उन्हें दुख होगा। अगर उसके बाबा को रावली की हरकतों के बारे में पता चलता तो वो परेशान हो जाते। इसीलिए माँ और बेटा दोनों कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उनको कुछ पता ना चले और वो बिना किसी टेंशन के रह सके। दोनों सोच में पड़ गए। मैं घर जाता हूं और हमारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं माँ। घर पहुंचकर टीवी पर कौशिक ने चूहों का एक पिंजरा देखा तो उसे एक विचार आया और वो तुरंत बाहर चला गया। उसने कुछ मिठाई खरीदी और उसमें नींद की गोलियां मिला दी और घर जाकर रावली को दी। जैसे ही उसने मिठाई खाई उसे गहरी नींद आ गई। तुरंत कौशिक ने उसे एक बड़े से पिंजरे में डाल दिया। बाबा को घर वापस लाया गया और वो बेडरूम में सोने के लिए चले गए। कुछ समय बाद रावली जाग गई। उसे समझ नहीं आया कि वो कहां है और वहां कैसे पहुंची। ये देखकर माँ बेटा हंसने लगे। रावली ने पिंजरे से बाहर आने की कोशिश की। अब तुम चिल्लाओगी भी तो भी तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। हमने तुम्हारा इतना ख्याल रखा लेकिन तुम हमारे अपनेपन को नहीं समझ पाई। अब तुम वहीं पड़ी रहो। ये कहकर वो वहां से चले गए। उस कमरे में रोशनी भी नहीं थी और रावली को बहुत भूख लग रही थी। कुछ देर बाद कौशिक उस कमरे में कुछ खाना लेकर आया और रोशनी जलाई। एक हफ्ते तक रावली को उस पिंजरे में इसी तरह रखा गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों के बारे में गलत सोचा। मैं खुद को बदल दूंगी और बिल्कुल पहले जैसी। अगर तुम सुधरने और पहले की तरह बनने के लिए तैयार हो तो आगे हम सब खुशी से रह सकते हैं, वरना तुम्हें ऐसे ही रहने पड़ेगा। मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ और अब से अच्छी बहू बन के रहूंगी। माँ बेटे को लगा कि वाकई रावली बदल चुकी है और उन्होंने उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। सुंदरपल्ली गाँव में
शकुंतला और उसका बेटा सीनिया रहते थे। शकुंतला अपने बेटे के लिए बहु तलाश रही थी। उसने सीनिया की शादी अपर्णा के साथ कर दी। अपनी नई नवेली बहू का शकुंतला बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन सुबह सुबह घर से बाहर आंगन में, मुझे बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि मैं ठहरी फुलक्कर। अपनी शादी से पहले मैंने पापा से कहा भी था कि वो मेरी समस्या के बारे में ससुराल वालों को बता दें, लेकिन उन्होंने कहा अगर वो ये बताएंगे तो शादी करना मुश्किल हो जाएगा। ये कहते हुए वो बाहर आती है और बाल्टी में पानी भरती है। पानी भरना छोड़कर वो आंगन की सफाई करने लगती है और तभी अचानक कुकर की सीटी बज उठती है। उसे सुनकर वो अंदर भागती है, फिर ये देखने के लिए कि दाल पकी है या नहीं कुकर का ढक्कन खोलती है। दाल पूरी तरह से उबल चुकी है, इसे पकाने की और जरूरत नहीं। वो एक बर्तन लेती है, उसमें थोड़ा तेल डालती है और दाल छौंकने लगती है। इस बीच वो पेपर बॉय की आवाज सुनती है और पेपर देखने के लिए दौड़ती है। पेपर लेकर वो वही पेपर पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। अपनी भुलक्कड़पन में वो चूल्हे के बारे में बिल्कुल भूल गई। दूसरी तरफ बाल्टी से पानी बहे जा रहा था और नाला सा बन गया था। उधर किचन में तेल जल गया था और सारा घर तेल के धुएं से भर गया था। शकुंतला जो अपने कमरे में सो रही थी, धुएं के कारण खांसती हुई जागती है। अरे घर में कुछ जल रहा है और पूरा घर धुएं से भर गया है, ये बहू कहां चली गई, क्या कर रही है। वो जल्दी से किचन में आती है और वहां का नजारा देखकर चूल्हे पर बर्तन रखकर न जाने कहां चली गई ये लड़की। वो जल्दी से बर्तन को चूल्हे से नीचे रखने की कोशिश करती है और इस जल्दबाजी में उसके दोनों हाथ जल जाते हैं और बर्तन नीचे गिर पड़ता है। हे भगवान, जल गई। रसोई से आई आवाज को सुनकर अपर्णा को चूल्हे पर रखे बर्तन के बारे में याद आती है। जब वो रसोई में भागकर आती है तो देखती है कि उसकी सास अपनी जली हुई उंगलियों पर कुछ मलहम लगा रही है। वो बेहद घबरा जाती है। अपर्णा को सामने देखकर सास गुस्से में लाल होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये क्या किया तूने, चूल्हे पर बर्तन रखकर कहां चली गई थी तू। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सास को क्या जवाब दे, वो पहली बार उस पर चिल्ला रही थी। हे भगवान, सासू मां, आप मुझ पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, आपका पीपी बढ़ जाएगा, आप बेहोश भी हो सकती हो, ऐसे मत चिल्लाओ मुझ पर, चुप रहो, मुंह बंद रखो। अपर्णा सोचती है कि सासू मां उसे उसका मुंह बंद करने के लिए कह रही है। सास आग बबूला हो जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है। वो डर कर अपना हाथ हटा देती है। मेरा नहीं, अपना मुंह बंद रखो और निकल जाओ यहां से, जाओ। माँ जी, मैं आपसे कब तक बात नहीं करूं, पहले तुम इस बर्तन को देखो, पूरा जल गया है। अब तक तुम्हारे ससुर जी सोकर नहीं उठे, उठेंगे तो खांसने लगेंगे और इस बर्तन को लात मारकर फेंक देंगे बाहर। इतना कहकर शकुंतला रसोई से बाहर आ गई। बाहर आकर उसे कमरे के बीचों बीच एक झाड़ू पड़ी दिखाई दी और पूरे आंगन में पानी फैला हुआ था। ये सब देखकर तो शकुंतला गुस्से से तिलमिला जाती है, लेकिन ये सोचकर कि बहू अभी घर में नई नई आई है, खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी झुंझुलाहट और परेशानी नहीं रोक पाती। अपर्णा, वो बहू को दो बार जोर से आवाज देती है, ये क्यों चिल्ला रही है। इतना कहकर वो दाल की तरफ देखती है, चलो दाल उबाल लेती हूं। इतना कहकर उसने थोड़ा और पानी डाला और दाल को फिर से उबलने रख दिया। अपर्णा, अपर्णा, शकुंतला चिल्लाती रहती है। चिल्लाहट सुनकर अपर्णा किचन से बाहर आकर अपनी सास के सामने खड़ी हो जाती है। अब क्या हो गया सासू मां, हर रात सोने से पहले मैं टंकी भरती हूं और सुबह तक टंकी खाली हो जाती है, ये टंकी का पानी कहां जा रहा है। हाँ, अपर्णा ने जब पानी के बारे में सुना तो वो दौड़ी और काफी देर से आंगन में बह रहे नल को बंद कर दिया। मेरी बात सुनिए सासू मां, जब आपके घर में बहू है तो आप ये सब काम मत कीजिए ना,
आप बाहर जाकर साफ सफाई करेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी? आप तो बस पानी छिड़क कर रंगोली बनाइए, मैं ये सब क्यों करूंगी? इतना कहकर उसने बरामदे में देखा। वहां उसने अखबार को जमीन पर पड़ा देखा तो उसे पूरी कहानी समझ आई। सच बता बहू, तो अखबार पढ़ने में इतनी मगन थी कि नल बंद करना भूल गई और आंगन की सफाई करना भी, और ये भी कि तूने चूल्हे पर कुछ रखा है। सासू माँ की बातें सुनकर अपर्णा मन ही मन सोचती है, अगर मेरी सास को ये पता चल गया कि ये सब मेरे भुलक्कड़पन के कारण हुआ है तो क्या होगा? जब सासू माँ अच्छे मूड में होंगी तो मैं अपनी इस आदत के बारे में उनको बता दूंगी, वो मुझे जरूर समझेंगी। इसी सोच में डूबी हुई वो शकुंतला को देखती रहती है। मैं तुमसे क्या कह रही हूं और तुम जाने क्या सोच रही हो? तुम इस दुनिया में हो या दिन में भी सपने देखती हो? जब सास चिल्लाई तो अपर्णा होश में आई और अपनी सास से बोली, मुझे माफ कर दो सासू माँ। जब वो ये कह रही थी तभी उन्हें कुछ फटने की जोर की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर शकुंतला और अपर्णा दोनों रसोई की ओर भागी। अप्पा राव और उसका बेटा भी आया। चूल्हे पर कुछ पकने रखा है उसे भूलकर तुम लोग गप्पे मार रही थी क्या? अभी फिलहाल तो खाना बनाओ, ये सब गप्पे जब हम अपने ऑफिस चले जाएं तब भी लगा सकती हो। आराम से बैठकर अपनी ज्वेलरी और अपने कपड़ों के बारे में बतियाते रहना जितना बतियाना है। इतना कहकर वो बेडरूम में जाने लगता है पर रुक जाता है। अपर्णा, मैंने तुमसे मेरे कपड़े इस्त्री करने को कहा था, कर दिए? सुनो, मैंने अभी तक वो नहीं करा, मेरे पास और भी बहुत काम थे, पर मैं तुम्हारे तैयार होने से पहले जरूर कर दूंगी। ठीक है, ध्यान रखना, तार थोड़ा ढीला है, कहीं तुम्हें झटका ना लगे। वो दूध चूल्हे पर रख देती है और रसोई साफ करने लगती है। शकुंतला आकर हॉल में बैठ जाती है। अप्पा राव कुछ और देर के लिए लेट जाते हैं। वो दूध उबालने लगती है और साथ ही अपने पति के कपड़े इस्त्री करने के लिए ले जाती है। अपर्णा अपने पति के कपड़े इस्त्री करने लगी। 2-3 मिनट के बाद चूल्हे पर दूध उबलने लगा। रसोई से आवाज सुनकर अपर्णा इस्त्री को शर्ट पर रखा छोड़कर बिना स्विच बंद किए रसोई में चली जाती है। वो अपने पति के कपड़ों को भूल जाती है। तभी सास को कपड़ों के जलने की गंध आती है और वो कमरे में दौड़ पड़ती है, और जैसे ही वो इस्त्री को छूती है उनको जोर का झटका लगता है। ये जाने बिना कि उसे अपनी सास को नहीं छूना चाहिए, अपर्णा दौड़कर अपनी सास को बचाने की कोशिश करती है और वो भी चिपक जाती है। दोनों तार से जूझने लगती हैं। तभी अप्पा राव अपनी बीवी और बहू को तार से जूझते देखते हैं। तुरंत वो उन दोनों को झाड़ू से जोर जोर से मारते हैं। तब जाकर दोनों बिजली के तार से छूट पाती है। माँ, मुझे माफ कर दो सासू माँ, मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अपर्णा की बात सुनकर शकुंतला का मुंह खुला का खुला रह गया।